हाउ टू अर्न 1 लाख पर मंथ इन स्टॉक मार्केट। तो यार आपको आज मैं 2 इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने इनको प्रैक्टिस किया मार्केट के अंदर तो आप काफी अच्छा पैसा पर मंथ लेकर के जा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो हम 2 तरीके से बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से और दूसरी बात करेंगे हम लोग इंट्राडे के परस्पेक्टिव से। तो स्विंग ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से आपको 1 डे का चार्ट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको इंडिकेटर्स बताता हूँ और उनकी सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपको बॉलिंजर बैंड सर्च करना है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड अपने इंडिकेटर के सेक्शन में, इंडिकेटर का सेक्शन कहाँ पर होता है, ये रहा आपका इंडिकेटर का सेक्शन। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको यहाँ सर्च करना है आपको बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो देखो आपको नीचे में मिल जाएगा यहाँ पर बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बॉलिंजर बैंड हमने यहाँ पर लगा लिया है इसको, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ दिखता है ये बॉलिंजर बैंड, ये 3 ये दिखते हैं सांप, ठीक है, स्नेक टाइप का। इसको आप जैसे ही लगा लोगे तो इसके अंदर सेटिंग देख लेते हैं क्या है। जो भी ये सेटिंग है 20 और 2 की, ये डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है हमें, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है इस इंडिकेटर का मतलब। यहाँ पर अगर आप देखो, देखो जब भी मार्केट अपर बैंड को टच करेगी तो ये समझ जाना मार्केट हो गई है ओवरबॉट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खरीदी जा चुकी है, अब बेचने का समय आ गया है और मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। और जैसे ये नीचे आ जाता है तो ये हो जाता है ओवरसोल्ड, ज़्यादा बेच चुके हैं, ज़्यादा सस्ता हो गया है मार्केट, अब खरीदने का टाइम आ चुका है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है कि करना है यहाँ पर। अब हमें सिर्फ बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही ट्रेड नहीं लेना है, हमें एक और चीज़ करनी है यहाँ पर। क्या करनी है, हमें एक और इंडिकेटर लगाना होगा, उसका नाम है MACD। तो चलो उसको भी लगा लेते हैं हम लोग और उसकी भी सेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स में आकर के आपको सर्च करना है MACD। जैसे आप सर्च कर लोगे तो ऊपर आ जाएगा आपको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसे ही आपको दिखेगा तो इसके ऊपर क्लिक करके इसकी सेटिंग पे देखोगे अगर, तो आपको दिखेगा भाई 12 और 26 डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, और ये 9, ठीक है। तो एज इट इज़ हमने इसको लगा लिया यहाँ पर। अब हम इसको जूम कर देते हैं इस चार्ट को। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे MACD के अंदर तो 2 लाइनें दिख रही होगी स्नेक वाली, ठीक है। तो जैसे यार ये ब्लू लाइन इसको नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो बाइंग का सिग्नल होता है, और जैसे ये ब्लू लाइन रेड को नीचे क्रॉस करती है तो ये सेल का सिग्नल होता है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो इसने बॉलिंजर बैंड को नीचे क्रॉस किया है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट बिक चुकी है, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। बॉलिंजर बैंड ने यहाँ पर उसके नीचे एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये तो कन्फर्मेशन हो गया कि बायर्स एक्टिव हो गए। लेकिन एक और इंडिकेटर का कन्फर्मेशन हमें चाहिए था। तो ये देखो यहाँ पर जैसे ये ब्लू लाइन ने ऊपर क्रॉस किया तो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमें बाय करना था, और जैसे टॉप पे गया सेल करके हमें टारगेट बुक कर लेना था, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते थे हम लोग, जहाँ से हमने एंट्री ली है, हमने मान लो यहाँ पर एंट्री ली है तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख सकते थे उससे नीचे के नीचे कैंडल के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, और टारगेट आपका ये रहा, स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है आपका। इस चीज़ को आपने समझ लिया है। अब देखो सेलिंग के परस्पेक्टिव से, सेलिंग के लिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुँच गया हाई के ऊपर, आपको इसका भी सिग्नल चाहिए। देखो ब्लू ने रेड को नीचे क्रॉस किया तो आपके यहाँ पर सेल ऑफ कर सकते थे, ठीक है। तो ये देखो मार्केट अभी भी नीचे की ओर ही जा रहा है, ठीक है, आज क्लोज हुआ है नीचे की ओर। अभी कितना नीचे जाएगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन आप स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, मान लो आपने कहाँ पर एंट्री ली, यहाँ लिया तो स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रख सकते हो छोटा सा, एंड टारगेट डबल का प्रयास कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे के चार्ट पे ये कार्य करना है। और इंट्राडे के लिए पहले एक दो एग्जांपल और देख लो। यहाँ पर देखो ब्लू लाइन ने इसको ऊपर से रेड को क्रॉस किया है और यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला, और ये काफ़ी अच्छा ट्रेड अभी भी नीचे की ओर जाता हुआ मिला। इंट्राडे में आ जाओ, यहाँ पर टाइम फ्रेम बदलना पड़ेगा आपको, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, ठीक है। 15 मिनट के बाद आपको एक दिन में बेचना ही है, एक दिन में खरीदना भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे ही यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्रॉस आया, मार्केट ने जूम रिवर्सल ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ये ओवरबोट हो चुका है, ज़्यादा बिक गया भाई, ज़्यादा सस्ता हो गया अभी, अब इसको खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदोगे कहाँ पर भाई, क्या नीचे क्लोजिंग होते ही खरीद लोगे, जी नहीं। तो आप वेट करोगे MACD के कन्फर्मेशन का। यहाँ पर आया MACD का कन्फर्मेशन, आपने यहाँ पर बाय किया, और ये देखो मार्केट ने क्या ऊपर की ओर रैली दिखाई है, ठीक है। तो ये आपको देखना चाहिए, समझ गए इस चीज़ को, बाइंग का देख लिया आपने इंट्राडे में। अब सेलिंग का देखो, जैसे ही अपर बैंड को टच किया मार्केट ने, एक सेलिंग देखो यहाँ भी टच किया अपर बैंड को क्या, लेकिन MACD ने रेड लाइन को, ये ब्लू वाले ने रेड को नीचे क्रॉस किया क्या, तो यहाँ सेल नहीं करोगे आप, अब कहाँ सेल करोगे, यहाँ सेल करोगे। तो ये रहा आपका सेलिंग पॉइंट, समझ गए। स्टॉप लॉस तो आप समझ गए, जहाँ भी एंट्री लोगे आप उसके ऊपर रख सकते हो, थोड़ा सा रूम दे करके स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट डबल का प्रयास कर सकते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको आई होप आपको समझ में आ रही होगी। वैसे ही यहाँ पर देखो, इस लेवल पे देखो, यहाँ पर अपर बैंड को टच किया है, लेकिन यार MACD का कोई सिग्नल अभी नहीं है, MACD का सिग्नल यहाँ है, तो यहाँ कहीं आप सेल कर सकते थे। और ये देखो क्या नीचे की ओर आया है मार्केट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यार ये अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।